राघव, जी? मैं इतना कुछ बना रही हूँ, पता नहीं प्रिया को ये सब खाना पसंद भी आएगा कि नहीं। माँ, आपके हाथ के पकोड़े कोई रिजेक्ट कर सकता है? और वैसे भी प्रिया को बैंगलोर में कहाँ मिलेगा ये नॉर्थ इंडियन खाना? 6 महीने से घर भी नहीं गई है वो। कानपुर में है ना प्रिया का घर? हाँ माँ। अच्छा राघव, एक बात बता, तू प्रिया को लेकर सीरियस तो है ना? उसके घर जाके आया कि नहीं? चल ऐसे करते हैं, तू और मैं दोनों चलते हैं उसके घर, सबको मिलकर आते हैं, फिर 6 महीने में तुम्हारी एंगेजमेंट और 1 साल में तुम दोनों की शादी। निकल गए माँ आप अपने अलग ही ट्रैक पे। मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझे अभी करियर पे फोकस करना है। माँ, आई एम जस्ट 27। ओहो, जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो तू मेरी गोद में था और पॉटी करता रहता था बिना डायपर के। आई एम ओनली 27। हट। लगता आ गई। हाँ, जा खोल जाकर। ये क्या हाल बना रखा है? दुपट्टा मैच नहीं कर रहा ना? I knew it. दुपट्टा नहीं, पूरी पर्सनालिटी ही मैच नहीं कर रही। This is so not you. अरे पहली बार तुम्हारी माँ से मिल रही हूँ ना? How can I be myself? Also, I have to look suitable for you, ना? But इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरी माँ बहुत कूल है। प्लीज, लड़कों को ना हमेशा अपनी माँ कूल ही लगती है। But it's not same for women. शादी में ना हमेशा वुमेन को ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है। चलो चलो अभी आ जाओ, चले। हाय प्रिया। नमस्ते आंटी। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें ठंडी लग रही? लो गरम गरम चाय पी लो। आंटी वो, अरे इसमें अदरक और इलायची है, यू विल फील वेरी वार्म, ये लो। आंटी मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ ना, तो मैं चाय नहीं पीती। ओके चलो फिर गरम गरम पकौड़े खाओ, लो। अच्छा तुम्हें पकौड़े भी नहीं पसंद? क्या खाना पसंद करती हो और क्या क्या बना लेती हो? आंटी ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाती, मैगी बना लेती हूँ। माँ वो मैं कॉफ़ी और चाय बनाता हूँ ना, तो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। चलो अच्छा है, शादी के बाद तुम दोनों मैगी और चाय कॉफ़ी पर गुजारा करना। शादी? अरे माँ आपको साड़ी पहन के डांस करने का इतना मन है तो चलते हैं एक पार्टी पर। इसके लिए हम शादी थोड़ी कर लेंगे अब। क्यों भाई, मुझे मन है कि मैं अपने बेटे की शादी देखूं, उसमें डांस करूं और गाऊं। मथे ते चमकन वाल मेरे। प्रिया का अभी अभी प्रमोशन हुआ है और अभी अगर वो शादी कर लेगी तो उसे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा और दिल्ली शिफ्ट होगी तो उसको जॉब देखनी पड़ेगी, जॉब देखेगी तो टाइम लगेगा, तो अभी 2 साल का टाइम हमें चाहिए। हाँ आंटी, मैंने भी दिल्ली में जॉब देखना शुरू कर दिया है लेकिन अभी मेरी फील्ड में यहाँ पे स्कोप कम है तो थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन 1-2 साल में सब सेटल हो जाएगा। तो तुम दोनों सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रहे हो कि प्रिया की जॉब का मसला है? नहीं, और 1-2 साल में हो सकता है ना मैं थोड़ा और हैंडसम हो जाऊं तो वो भी तो वो भी हाँ आंटी आप 1-2 साल रुक जाओ, उसके बाद फिर मैं भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगी। और तब तक आप अपना डांस और गाना भी रेडी कर लेना क्योंकि लड़की तो आपको पसंद आई गई है। भाई मुझे तो लड़की नहीं पसंद आई, वो यूं है कि मुझे इस लड़की की एक बात पसंद नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि तुम शादी कर लो तो ये अपना इतना बढ़िया करियर सेक्रीफाइस करेगी। प्रिया मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतनी अच्छी जॉब करती हो, प्रमोशन भी हुआ है, तो फिर ये बेंगलोर छोड़कर दिल्ली क्यों आएगी जहाँ इसके फील्ड का काम अच्छे से नहीं मिलता? ये क्यों नहीं नई जॉब लेकर बेंगलोर शिफ्ट हो जाता? पर माँ फिर आप अकेले कैसे रहोगे ऐसे? ऐसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंटली रहूँ, अकेले रहूँ, और तू जो इतना घोड़े जितना बड़ा हो गया है तो कब तक मामाज बॉय बना रहेगा? हाँ भाई देखो, प्रिया को भी खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, तो तुम दोनों क्यों नहीं मुझसे कुकिंग सीख लेते? देखो बेटा, शादी जो है ना वो एक मोटरसाइकिल की तरह है, जिसके दोनों पहिए जब एक साथ चलेंगे तभी वो ठीक रहेंगे। एक पहिया ऊपर होगा, एक नीचे होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एंड बाय द वे प्रिया, राघव को ड्राइविंग नहीं आती।
देखो बेटा, जो भी पार्टनरशिप होती है ना, वो तभी चलती है अगर दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें घर चलाने के लिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही चेंज करे अपने आप को। अब तुम दोनों बातें करो और मैं जाकर प्रिया के लिए ओट्स वाले हेल्दी पकौड़े एयर फ्रायर में तल कर लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, बैठ जाइए, मैं यही खा लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह आंटी, पकौड़े सच में बहुत टेस्टी बने हैं। सच्ची मुच्ची? तो फिर मैं भी खा लेता हूँ और बैंगलोर में जॉब्स अप्लाई करना शुरू करता हूँ।